तो हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। चलिए मैं आपको बताता हूँ, अप्रेंटिस RRCWR मुंबई। देखिए, इसकी ओपनिंग डेट है 25/5/2021 और क्लोजिंग डेट है 24/6/2021। ठीक है दोस्तों, चलिए मैं आपको आगे लेकर चलता हूँ। इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, मिनिमम 15 साल और मैक्सिमम 24 साल। SC ST OBC के लिए छूट भी दे रखी है। OBC के लिए 3 साल का है और SC ST के लिए 5 साल की छूट है। PWD के लिए 10 साल की और एक्स सर्विसमैन के लिए भी 10 साल का है। चलिए आगे देखते हैं। आपके फॉर्म जो है फिल 25 मई से होंगे और जल्दी से जल्दी सभी लोग फिल करें। देखिए, एसेंशियल क्वालिफिकेशन देखते हैं। एजुकेशन क्वालिफिकेशन है 12th+10+2। 12th वाले भी और इंटर वाले भी कर सकते हैं और साथ में ITI होना ज़रूरी है, चाहे वो NCVT से हो या SCVT से। देखिए, विभिन्न ट्रेडें दे रखी हैं इसमें, लगभग सारी ट्रेडें ही दे रखी हैं। आप लोगों का बहुत फ़ायदा है इसमें, सभी ट्रेड वाले अप्लाई कर सकते हैं। चलिए आगे लेकर चलता हूँ मैं। ट्रेडर देख लेते हैं एक बार इसमें। फिटर, वेल्डर, टर्नर, मशीनिस्ट, कारपेंटर, पेंटर, जनरल, डीजल मैकेनिक, मैकेनिक मोटर, प्रोग्रामिंग सिस्टम, एडमिनिस्ट्रेटर, असिस्टेंट, ठीक है, इलेक्ट्रीशियन, इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक, वायरमैन, रेफ्रिजरेशन, पाइप फिटर, प्लम्बर, ड्राफ्ट्समैन, स्टेनोग्राफर, इंग्लिश, लगभग सभी ट्रेडें दे रखी हैं इसमें। बहुत फ़ायदा है, इतनी बड़ी वैकेंसी बहुत दिनों में आई है। सबको, जिन्होंने ITI कर रखी है, उन सबको फॉर्म डालना चाहिए इसमें। देखिए, पेमेंट फीस देखते हैं इसमें। 100 रुपीज़ रखे गए हैं। SC ST PWD वूमेन के लिए कोई फीस नहीं है। देखिए, मेडिकल सर्टिफिकेट, फिटर ट्रेड, मतलब इन ट्रेड वालों के लिए ये क्राइटेरिया रखा गया है। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे लेकर चलता हूँ मैं आपको। देखिए, इसमें सभी विभाग में वैकेंसी दे रखी है। चलिए ये देखते हैं, मोड ऑफ सिलेक्शन, सिलेक्शन किस प्रकार से है इसमें। सिलेक्शन जो है 1961 के अधिनियम के अनुसार है, ठीक है। इसमें मेन बात है 10th का 50% और ITI के 50%, दोनों का वेटेज रखा जाएगा इसमें। कोई रिटन टेस्ट नहीं होना है इसमें, मेरिट लगनी है ओनली। कैलकुलेशन ऑफ मार्क, कैलकुलेशन जो मार्क कैलकुलेट किए जाएंगे वो मैट्रिकुलेशन और ITI के 50-50% लिए जाएंगे, उसके बाद आपकी मेरिट डिसाइड की जाएगी। चलिए आगे दिखाता हूँ मैं आपके लिए। इसमें एक फ़ायदा सबके लिए है, NCVT और SCVT दोनों अप्लाई कर सकते हैं। ट्रेनिंग पीरियड क्या है, 1 साल का है। स्टिपेंड क्या होगा, 1961 वाला अधिनियम लगेगा इसमें। मोड ऑफ सिलेक्शन, मोड ऑफ एप्लीकेशन, सॉरी, मोड ऑफ एप्लीकेशन है www.RRC.WR.com। इस पर केवल ऑनलाइन फॉर्म फिल होगा। चलिए आगे देखते हैं। डॉक्यूमेंट अपडेट होंगे, SSC 10th, क्राइटेरिया फॉर प्रूफ ऑफ डेट ऑफ बर्थ। तो डेट ऑफ बर्थ में आपका 10th का ही माना जाता है। चलिए आगे देखते हैं।
इसमें दोस्तों एनसीईटी का सर्टिफिकेट भी डाल लगेगा, कंसोलिडेटेड आईटीआई मार्कशीट लगेगी, ईडब्ल्यूएस, ओबीसी, एससी, एसटी सबका। ठीक है दोस्तों, आगे देखते हैं। एग्रीमेंट ट्रेनिंग 1961 के अधिनियम के अनुसार होगी। टेस्ट ग्रांट सर्टिफिकेट। चलिए आगे देखते हैं, आपको वैकेंसी दिखाते हैं। देखिए, मुंबई एमएमसीटी डिवीज़न मैकेनिकल डिपार्टमेंट में फिटर, वेल्डर, कारपेंटर, पेंटर, डीजल मैकेनिक, मैकेनिक मोटर, देखिए सभी विभागों में और सभी ट्रेडों में वैकेंसी आई है। तो सबको इसमें फॉर्म फिल करना चाहिए। इलेक्ट्रीशियन डिपार्टमेंट, सारे डिपार्टमेंट में इसमें वैकेंसी है। इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट, पर्सनल डिपार्टमेंट, ब्रिज मैकेनिक, ठीक है, वडोदरा गुजरात डिवीज़न में। देखिए बीआरसी, फिटर, वेल्डर, कारपेंटर, पेंटर, डीएल मैकेनिक, इलेक्ट्रीशियन डिपार्टमेंट, फिटर, वेल्डर, मशीनिस्ट, मोटर मैकेनिक, इलेक्ट्रीशियन, इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक, वायरमैन, रेफ्रिजरेटर, एसी मैकेनिक, कारपेंटर, पेंटर, पाइप फिटर, प्लम्बर, ड्रॉप्समैन, लगभग सारी ट्रेनें दे रखी है इसमें, सारी की सारी। आपको जिन्होंने आईटीआई कर रखी है उन सबको मैं यही सलाह दूंगा कि सभी इसमें फॉर्म फिल करें, जो बिना जॉब के घर पर बैठे हुए हैं। देखिए अप्रेंटिस में आपको एक सर्टिफिकेट दिया जाता है, ट्रेनिंग सर्टिफिकेट, वो आपके लिए आपके आने वाले एग्ज़ामों में काफ़ी मददगार बनता है। देखिए सारी ट्रेनें सभी डिवीज़न, लगभग साबरमती डिवीज़न अहमदाबाद है, साबरमती सिग्नल वर्कशॉप अहमदाबाद, हेड क्वार्टर ऑफिस, पर्सनल डिपार्टमेंट में, मतलब सभी ट्रेनों में पासा, स्टेनोग्राफर इंग्लिश, सभी डिपार्टमेंट में सभी वैकेंसी दी हुई है। देखिए दोस्तों, अब बहुत सारी वैकेंसी और आने वाली है अप्रेंटिस की, रेलवे की, तो इन सब की नोटिफिकेशन पाने के लिए मेरा चैनल लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू दोस्तों।